और अली खाना की फरमाइश पर और एक दिल से जैसे बात निकलती है सी हवाले से कलाम पेश कर रही हूँ कि हाजी शफीक साहब अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। यकीनन उनकी रूह खुश होती होगी जब उनके बच्चों को वो इस तरह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हुए देखते होंगे, क्योंकि एक तरबियत जब वालदैन करते हैं और उसके बाद औलाद सदका जारिया बन जाती है तो फिर रूहें खुश हुआ करती हैं। और यकीनन अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के सदक़े में उन पर बहुत करम फरमा रहा होगा और करम होता होगा। अल्लाह ताला हमारी भी मगफ़रत बाद मरने के फरमाए और हमें ऐसा बनाए जैसा अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं। तो ये कलाम पेश कर रही हूँ। ज़मीं मैली ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों कफन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों, मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नामे मोस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, जो नामे मोस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, और पहन ले प्यार जोन का बदल मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और नबी का दामन रहमत पकड़ लो में, चलन मैला नहीं होता, रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी के पाक लंगर पर जो पलते गए कभी उनकी,
पर जो पढ़ते गए محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں